कलर्स टीवी के पॉपुलर शो छोटी सरदारनी पिछले लंबे वक्त से लोगों का पसंदीदा शो बना हुआ है। शो में मेहर सरब की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया जाता रहा है। मेहर यानी कि निमृत कौर आलूवालिया तो इस शो से हर तरफ छाई ही हुई हैं। लेकिन सरब के रोल में एक्टर अविनेश रेखी को भी कम पसंद नहीं किया जा रहा। पहली बार उन्होंने किसी शो में एक सरदार का रोल प्ले किया है, जो काफी सिंपल होने के साथ साथ काफी दमदार भी है। फिल्म शो में तो सरब की कहानी कैसे आगे बढ़ रही है ये सभी देख ही रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको सरब यानी कि अविनेश रेखी के वो अनसुने राज बताने जा रहे हैं जो शायद आप पहले जानते होंगे। तो कैसी है अविनेश रेखी की असली कहानी, गौर से बस सुनते जाइए। डांस में था बचपन से काफी इंटरेस्ट। यहाँ आपको बता दें कि अविनेश रेखी का जन्म 5 अक्टूबर 1984 को पंजाब के नाभा में एक सिख परिवार में हुआ था। उनकी स्कूलिंग चंडीगढ़ में हुई, जिसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की। स्कूल के दौरान से ही अविनेश को डांस में काफी इंटरेस्ट था। अपनी डांसिंग स्किल्स को निहारने के लिए अविनेश ने चंडीगढ़ में शामक डावर की वर्कशॉप में पार्टिसिपेट भी किया और कुछ वक्त तक अपने डांस के स्किल्स को निखारा। करियर बनाने से पहले ही की शादी। वेल, जहां स्टार्स करियर बनाने के बाद ही शादी ब्याह जैसे फैसले लेते हैं, तो वहीं अविनेश ने टीवी में डेब्यू करने और पॉपुलैरिटी हासिल करने से पहले ही शादी करने का फैसला कर लिया था। जी हां, अविनेश ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड रायसा से शादी की है। वो एक शादी में एक दूसरे से मिले और फिर डेटिंग शुरू कर दी। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था क्योंकि रायसा दिल्ली में रहा करती थी और अविनेश चंडीगढ़ में। लेकिन कुछ वक्त तक डेटिंग करने के बाद दोनों 29 दिसंबर 2010 को शादी के बंधन में बंध गए। बाद में वो इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गए। रायसा ने उनका बहुत समर्थन किया और उन्हें हर कदम पर काफी मोटिवेट भी किया। इस जोड़े को दो सुंदर बच्चे भी हैं। अवीरा रेखी नाम से उनकी एक बेटी है और अनराज रेखी नाम से एक बेटा भी है। वो अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ प्यारी प्यारी फोटोज भी शेयर करते रहते हैं। डेब्यू शो से ही किया कमाल। जी, टीवी पर अविनेश ने डेब्यू साल 2012 में टीवी शो चाल छह और मात से किया था, जिसमें उन्होंने कबीर जायसवाल का किरदार निभाया था। इस शो में उनके किरदार को काफी पसंद भी किया गया था। ये शो ज्यादा वक्त तक तो टीवी पर टेलीकास्ट नहीं हुआ, लेकिन अविनेश का रोल काफी पॉपुलर हुआ था और इसी शो के बाद टीवी पर उनकी किस्मत का तारा चमक उठा। इस शो के बाद अविनेश ने टीवी पर एक से बढ़कर एक शोज में काम किया, जिसमें ज्यादातर उनके किरदार काफी फेमस रहे। इस लिस्ट में मधुबाला, एक इश्क एक जुनून, मैं ना बोलूंगी, महाराणा प्रताप, तू सूरज में सांझ पियाजी और अब छोटी सरदारनी में वो सरब बनकर छाए हुए हैं। बॉलीवुड में किया काम लेकिन नहीं जमा सिक्का। वेल, टीवी में तो सरब ने अपने लगभग 9 साल के करियर में जो भी शोज किए सभी काफी कमाल के रहे। लेकिन आप शायद ही ये बात जानते होंगे कि अविनेश ने टीवी पर डेब्यू करने से पहले बॉलीवुड में भी अपनी किस्मत को आजमाने का फैसला किया था। उन्होंने रूबरू और दिल बोले हड़िप्पा जैसी फिल्मों में काम भी किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज में अपनी किस्मत साथ दे, ये मुमकिन तो नहीं। अविनाश को बॉलीवुड में अपना सिक्का जमता नहीं दिखा, जिसके बाद उन्होंने टीवी का रुख किया और आज कैसे वो ऑडियंस के दिलों पर राज कर रहे हैं ये हम सभी देख ही रहे हैं। और यही आशा करते हैं कि आने वाले कई सालों तक वो अपनी दमदार एक्टिंग के जरिए फैंस का प्यार यूं ही पाते रहें और हमें एंटरटेन करते रहें।